राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए राजमहल छोड़कर वन में चले जाते हैं। वहां वह कठोर तपस्या करते हैं। इसी क्रम में उन्हें कई ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं जिनसे उनके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है काशी गमन। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बुद्ध बनकर यद्यपि वे अकेले ही चल पड़े थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पीछे पीछे बड़ा जनसमूह चला आ रहा हो। मार्ग में उन्हें एक शुद्धात्मा भिक्षु ने देखा। वो उनके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनय पूर्वक बोला, हे अरहत, आप जितेंद्रिय और आत्मवेत्ता प्रतीत होते हैं। लगता है आपने संसार को जीत लिया है। पूर्ण चंद्र के समान आपका मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है। आपका मन शांत है। आप प्रबुद्ध और संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज दैदीप्यमान है। हे सौम्य, आपका नाम क्या है? आपका गुरु कौन है? भिक्षु द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भक्त वत्सल भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। मुझे अब धर्म का स्वामी समझिए। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जानने योग्य है और जिसे पहले किसी ने नहीं जाना है। मैंने शत्रु के समान सभी क्लेशों को जीत लिया है। इसलिए लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। मैं अब अमर धर्म की दुंदुभी बजाने काशी जा रहा हूं। किसी सुख या यश के लिए नहीं, अपितु दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए वहां जा रहा हूं। क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूंगा, उन्हें मुक्त करूंगा। जैसे दीपक के जलने मात्र से ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि, आकाश में वायु और पृथ्वी में जल का होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है।
ये सुनकर भिक्षु ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वो अपने मार्ग पर आगे चला गया। शाक्य मुनि धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने दूर से ही काशी को देखा, जहां वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थी जैसे दो सखियां मिल रही हों। वे वहां से मृगदाव वन सारनाथ गए, जहां सघन वृक्षों पर मोर बैठे हुए थे। मृगदाव वन में वे पांच भिक्षु रहते थे जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट मानकर उनका संग छोड़ दिया था। पांचों भिक्षुओं ने जब शाक्य मुनि को आते हुए देखा तो वे आपस में बातें करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस तप भ्रष्ट भिक्षु का अभिवादन नहीं करेंगे। यदि ये पहले हमसे बोलेगा तभी हम इससे बात करेंगे। पांचों भिक्षु जब ये परामर्श कर रहे थे तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए। जैसे ही वे उनके निकट आए, पांचों भिक्षु अपने पूर्व निश्चय के विपरीत एकदम खड़े हो गए। उन्होंने विनय पूर्वक उनका अभिवादन किया। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चीवर उठाया, किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा, परंतु मोहवश उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना किया और कहा, आपने तप त्याग दिया था, आप तत्व को नहीं जानते। तब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा, जैसे विषयों में आसक्त लोग अज्ञानी हैं, वैसे ही अपने आप को क्लेश देने वाले लोग भी अज्ञानी हैं, क्योंकि क्लेश द्वारा अमरत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया, बोध तपस्या से भिन्न तत्व है। देखो, जो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर लेते हैं वे तो व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते, तो उन्हें परम तत्व का बोध भला कैसे हो सकता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही शरीर को कष्ट देने से नहीं अपितु योग की युक्तियों से ही बोध प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कष्टकर तप और आसक्तिमय भोग दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग का आश्रय लिया है और बोधि प्राप्त की है। मेरे इस मध्य मार्ग का प्रकाशक सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य है तथा सम्यक संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है। सम्यक वाणी में विश्राम पाता है, सम्यक आचरण के
उपवन में विहार करता है। सम्यक आजीविका ही उसका शुद्ध भोजन है। सम्यक व्यायाम प्रयत्न उसके सेवक हैं। सम्यक स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वह शांति पाता है तथा सम्यक समाधि रूपी शैया पर समाधान पूर्वक सोता है। यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म जरा व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। मेरी दृष्टि में मध्य मार्ग के जो चार मूलभूत सत्य हैं वे हैं दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय। मैंने दिव्य दृष्टि से ये आर्य सत्य जान लिए हैं और उनका अनुभव किया। दुख है यह मैंने पहचाना और उसके कारणों को छोड़ा। इसी तरह दुख के निरोध का अनुभव किया और उसके उपायों के रूप में इस मार्ग की उद्भावना की है। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वाण प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूं। महात्मा बुद्ध के इन करुणा युक्त वचनों को प्रथम बार कौंडिन्य आदि पांच भिक्षुओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रथम प्रवचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तमो, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिन्य ने कहा, हाँ भंते। सभी भिक्षुओं में कौंडिन्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। उसी समय पर्वतों पर उपस्थित यक्षों ने सिंहनाद किया और घोषणा की, जन जन के सुख के लिए शाक्य मुनि ने धर्म चक्र प्रवर्तित कर दिया है। शील इस धर्म चक्र के आरे कीलक है। क्षमा और विनय इसके धुरे हैं। बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं। सत्य और अहिंसा रूपी धुरी से युक्त ये धर्म चक्र अपूर्व है। धर्म के इसी यान में बैठकर यह लोग शांति प्राप्त कर सकता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्युलोक और देवलोक में व्याप्त हो गया। सर्वत्र सुख शांति छा गई। निरभ्र आकाश से
फूलों की वर्षा होने लगी। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, जितेंद्र राम प्रकाश, नीरज यादव और देवेंद्र त्रिपाठी, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।